9mm पिस्टल की चाल, चाल में काम आने वाले हिस्से पुर्जे, मैगजीन, ट्रिपिंग लीवर हेड, ट्रिपिंग लीवर टेल, सियर कनेक्टिंग लीवर, सियर, सियर आर्म, हैमर, हैमर बेंड लिमिटर, फॉरवर्ड लग, बैरल, बैरल लॉकिंग थ्रेड, अनक्लाइंड सरफेस, स्लाइड लॉकिंग रेस, फायरिंग पिन, एक्सट्रैक्टर, इजेक्टर, फीड पीस, पोजिशनल लग। जब एक फायरर मैगजीन को चढ़ाता है तो मैगजीन का अगला किनारा ट्रिपिंग लीवर हेड के ऊपर दबाव डालता है, जैसे ट्रिपिंग लीवर टेल सियर कनेक्टिंग लीवर की सीध में आ जाता है। जब ट्रिगर को दबाया जाता है तो ट्रिपिंग लीवर टेल सियर कनेक्टिंग लीवर के अगले हिस्से पर दबाव डालता है, जिससे सियर कनेक्टिंग लीवर का पिछला हिस्सा सियर आर्म के ऊपर दबाव डालता है और हैमर आजाद होकर फायरिंग पिन रिटेनर पर चोट मारता है। फायरिंग पिन अपने होल से निकलकर चेंबर वाले राउंड के प्राइमर पर चोट मारता है और राउंड फायर हो जाता है। इसे फायर की कार्यवाही कहते हैं। राउंड फायर होने से एक धक्का लगता है, इसे शॉर्ट रिकॉइल के नाम से जानते हैं। इस धक्के की मदद से बैरल और स्लाइड पीछे की हरकत करते हैं। जब बैरल और स्लाइड दोनों एक साथ लॉक हालत में ही 5mm पीछे की हरकत करता है तो अनक्लाइंड सरफेस लिमिटर से टकराकर नीचे की तरफ दब जाता है और बैरल लॉकिंग थ्रेड तथा स्लाइड लॉकिंग रेस का मिलाप टूट जाता है। कार्यवाही अनलॉक की होती है। यहाँ पर बैरल के पीछे की हरकत समाप्त हो जाती है लेकिन स्लाइड के पीछे की हरकत जारी रहती है। इस पीछे की हरकत के दौरान एक्सट्रैक्टर फायर केस को पीछे लाता है। कार्यवाही एक्सट्रैक्ट की होती है। फायर केस इजेक्टर से टकराकर इजेक्शन स्लॉट के रास्ते दहीने और नीचे गिर जाता है। कार्यवाही इजेक्ट की होती है। स्लाइड हैमर के पूरा ऊपर से गुजर जाता है और आगे लग से टकराने के कारण पीछे जाने से रुक जाता है। इस दौरान हैमर वेंट का मिलाप सियर के साथ हो जाता है। कार्यवाही कॉक की होती है। मुख्य गाइड स्प्रिंग सिकुड़ जाता है। जब स्प्रिंग अपने तनाव को पूरा करता है तो स्लाइड को आगे ढकेलता है। एक्सट्रैक्टर राउंड के पेंदे पर सवार हो जाता है। कार्यवाही लोड की होती है। पोजिशनल लग साइटेड फॉर पोजिशनल लग के ऊपर दबाव डालता है, जिसे बैरल ऊपर की तरफ उठाता है। इस दौरान बैरल लॉकिंग थ्रेड और स्लाइड लॉकिंग रेस का मिलाप हो जाता है। कार्यवाही लॉक की होती है। लॉक होने के बाद भी बैरल और स्लाइड लॉक हालत में दोनों एक साथ 5mm आगे की हरकत करता है। इस दौरान सियर कनेक्टिंग लीवर का अगला किनारा ट्रिपिंग लीवर टेल की सीध में आ जाता है। वे पिस्टल दोबारा फायर के लिए तैयार हो जाता है।